हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बेबी का कैप। इस तरीके का मैंने बेबी का कैप बनाया हुआ है। ये न्यू बॉर्न बेबी से लेकर आप 6 मंथ तक के बच्चे के लिए इसको आप आराम से पहना सकते हो। ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ हेड जैसा इसका शेप आया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस हेड की कैप का, जो आगे की जो मैंने बेल्ट बनाई है, पट्टी जो है, ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से इसको ये बनाया हुआ है। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि ये मैंने किस तरीके से इसकी बनाई हुई है। ये पूरा हेड एक इसी बेल्ट की वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एकदम टाइट सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा हार्ड है, और इसीलिए ये हेड लुक दे रहा है। तो आई होप आप लोगों के लिए पसंद आए। तो फिर स्टार्ट करते हैं कि ये मैंने किस तरीके से बनाया हुआ है। ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है, कि ये बेल्ट मैंने, इसकी जो पट्टी है ये किस तरीके से मैंने बनाई हुई है। तो उसके लिए मैंने ये 5.5 के क्रोशिया लिया हुआ है। ये आपको इसका नंबर नहीं सही से दिखाई देगा, तो उसके लिए सॉरी। तो मैं इस क्रोशिया से आपको बना के बताती हूँ। इसमें मैंने 17 चैन बनाई हुई है। आप अपने बेबी के माथे के नाप के हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से, इसमें जो मैंने आगे का डबल क्रोशिया लिया हुआ है उसी में से ये इस तरीके से फंदे उठाए हुए हैं, इनमें से मुझे बनाना है। बहुत इजी है और बहुत आराम से। आप जितना पतला क्रोशिया लेंगे ये उतनी ही हार्ड बनेगी पट्टी माथे की। ये मैं आगे से ले रही हूँ, मैं चैन में से नहीं निकाल रही हूँ इसके फंदे। ये देखिए, ये डबल क्रोशिया मैं इस तरीके से फंदे लेकर बना रही हूँ। डबल क्रोशिया में से आगे से फंदे उठा रही हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा रॉन्ग साइड है। ये जो मैं बना रही हूँ ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में आप आगे से फंदे लेंगे सामने से, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से सामने से फंदे लेंगे आगे से, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। लास्ट का हम फंदा जो है, ये देखिए सिंपल सा। अभी हमारे 17 डबल क्रोशिया हमने ली हुई, 17 चैन में ये पूरी 17 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है, ठीक है ना। अब हम राइट साइड पे हमें किस तरीके से बनाना है ये देखिए। राइट साइड से हमको डबल चैन किया हमने, डबल चैन। अब ये देखिए, ये पीछे से लेना है, ये देखिए, ठीक है ना। राइट साइड से हमें आगे से नहीं लेना है, हमें राइट साइड से पीछे से लेना है। रॉन्ग साइड से हमें इस तरीके से फंदे लेने हैं, ये देखिए। राइट साइड से हमको पीछे से फंदे लेने हैं, डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से। देखिए बहुत इजी है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। न्यू बिगिनर भी इसके लिए बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप लोगों को बड़े बच्चे की या अपने हस्बैंड की
हेड बनानी है तो आप उसी के हिसाब से इसमें आप इसमें लेंथ बढ़ा सकते हैं और लेंथ भी बढ़ा सकते हैं और फंदे भी मतलब क्रोशिया चैन भी बढ़ा सकते हैं। आई होप आप लोगों के लिए समझ में आया हो, पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। ये इस तरीके से हमारी बेबी कैप की बेल्ट तैयार है। ठीक है, लास्ट का फंदा भी हम इसी तरीके से ले लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। आप अपने साइज़ के हिसाब से इसकी लेंथ रखिएगा। ये देखिए, ये डिज़ाइन इसका इस तरीके से कुछ बन के आया है। ठीक है ना,